परीक्षा विशेष क्विज श्रृंखला के इस विशेष अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं भौतिकी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिक उपकरण या प्रकाशिक यंत्र कहें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और मानव नेत्र से जुड़े 30 सवाल पूछेंगे। और जिन प्रतिभागियों ने अपने नाम को पर्ची में लिखकर नेम बॉक्स में डाला है, उनके पर्ची को खींचने के लिए हम एक बार आमंत्रित कर रहे हैं क्रांति को। क्रांति आएंगे और पर्ची खींचेंगे। क्रांति के द्वारा पर्ची खींचा जा रहा है और देखते हैं कौन से वो भाग्यशाली प्रतिभागी हैं जिनके नाम क्रांति के द्वारा खींचे गए हैं। आप हैं राधा कुमारी, स्वागत है राधा कुमारी आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं राधा कुमारी का। राधा कुमारी बैठेंगी जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको आने वाली परीक्षा के लिए, और साथ साथ हमारे यहाँ आप आई हैं इसके लिए पूर्व में ही आभार प्रकट कर देते हैं। तैयार हैं आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए? पहला सवाल आपके लिए है, आपको बताना है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा किस लेंस के चश्मे का सलाह दिया जाता है। ऑप्शन आपके लिए है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस करेक्ट आंसर। आवाज के साथ बोलेंगे, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दूर दृष्टि दोष, दूर दीर्घ, हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग साइट। लॉन्ग साइट कह लें, हाइपर मेट्रोपिया कह लें, दूर दृष्टि दोष कह लें, दीर्घ दृष्टि दोष कह लें, सब कह लें, और उपचार के लिए उत्तल लेंस या इसे कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसके चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। दूर उत्तल। अगला सवाल आपसे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक होता है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जाए तो व्यंजक कितना होता है, यह बताना है। लेकिन इससे पहले एक सवाल आप बताएंगे, एक स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। सही उत्तर है। एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा आवाज से बोलेंगे। सवाल अब आप सुनेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक के लिए। ऑप्शन है आपके लिए m बराबर 1 माइनस डी वाई एफ, m बराबर 1 प्लस डी वाई एफ, m बराबर डी वाई एफ, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, m बराबर 1 प्लस डी वाई एफ। 1 प्लस डी वाई एफ। डी क्या है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है डी, और सही उत्तर है आपका m बराबर 1 प्लस डी वाई एफ। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जब अस्पष्ट दृष्टि की दूरतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो इसका आवर्धन का फॉर्मूला हो जाता है सीधा डी बाई एफ, और अगर अल्फा डिस्टेंस पर बनाया गया हो तब इसका सूत्र हो जाता है एम बराबर 1 प्लस डी माइनस अल्फा बटे स्मॉल एफ, वेयर डी इज लेस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है। अगला सवाल आपसे है, एक प्रकाशिक उपकरण के द्वारा, यंत्र के द्वारा आदमी के आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा है, और जब वह उपकरण हटा लिया जाता है तो नग्न आंखों पर बना दर्शन कोण अल्फा है, बीटा और अल्फा का अनुपात क्या कहलाता है? कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन कहलाता है। चौथा सवाल आपसे है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी समझते हैं ना, सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का उपकरण का उपयोग करते हैं वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको कहते हैं जिसमें दो, जिसे यौगिक माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, दो या दो से अधिक लेंस, प्रायः दो लेंस ही समझे जाते हैं लेकिन दो से अधिक लेंस भी हो सकते हैं, और उसमें जो लेंस आंख के निकट होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, वस्तु के निकट वाली लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। सवाल आपके लिए है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, रेटिना और नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस की बीच की दूरी को घटाई बढ़ाई जा सकती है, इसलिए नली की लंबाई परिवर्तित होती रहती है। यदि अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाए तो नली की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन आपके लिए है वी ओ माइनस यू ई, वी ओ बटे यू ई, VO प्लस VE, VO प्लस UE।
बी ओ प्लस यू ई कंफर्म है जी, बिल्कुल ओ शब्द का उल्लेख जब यहां किया गया है, ओ अल्फाबेट का भी ओ का आशय है अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब दूरी, और यू ई का मतलब है ई फॉर आई लेंस, नेत्रिका लेंस की वस्तु दूरी, और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हो जाती है भी ओ प्लस यू ई। अगला सवाल आपके लिए है, नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके लिए परितारिका, रक्तक पटल, दृढ़ पटल, इनमें से कोई नहीं, दृढ़ पटल करेक्ट आंसर है। बगैर देर की हुई अगला सवाल, बड़ी चर्चा हुई एम ओ की और ई की, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ई फॉर आई लेंस, इतना समझते चलिएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब अभिदृश्यक लेंस, ई आई लेंस मतलब नेत्रिका लेंस। अब सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन के लिए व्यंजक होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए सामान्य व्यंजक होता है एम ओ गुने एम ई, एम ओ घटे एम ई, एम ओ प्लस एम ई, एम ओ बटे एम ई, एम ओ गुने एम ई, एम ओ घटे एम ई, एम ओ प्लस एम ई, एम ओ बटे एम ई, एम ओ गुने एम ई, करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंख की खिड़की के नाम से किसको जाना जाता है? आंख की खिड़की, आंख का दरवाजा, आंख का झरोखा कौन कहा जाता है? कॉर्निया, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपसे है, माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी जो उत्तल लेंस का बना होता है, आपके सामने देख सकते हो उत्तल लेंस, देख लीजिए छू छा करके देखना, जिसके दो ये उत्तल है और बाकी इधर देखेंगी अवतल है, ऐसा हुआ है पता चलेगा, और देख भी सकती है वस्तु को, देखना हो तो आप निकट ले जाएंगी तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा उत्तल लेंस, और अब तक आंख के निकट नहीं दिया जाए, वस्तु के निकट रखिए, बड़ा बड़ा दे रहा है ना, अब आंख के निकट उसे ले जाइएगा तो वस्तु से दूर हो जाएगा, और उसका वस्तु का निकट होना आवश्यक है, आंख को आप उसके निकट ले जाइए, उसको वस्तु से दूर मत कीजिए, जिसको देखना उसके निकट वो रहेगा ही नहीं तो फिर उसका प्रतिबिंब तो नहीं बना सकता। चलिए अगला सवाल आपसे है, उससे आपने जो देखा देख लिया, अब थोड़ा सा अनुमान इसी से लगाइएगा, इस उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया वस्तु का वो कैसा है? ऑप्शन आपके लिए है, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक बड़ा, सॉरी काल्पनिक उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, आपको वो प्रतिबिंब उल्टा बना है तब आप लगता है काल्पनिक सीधा। देखिए विकल्प को सुधारने की गुंजाइश ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, आप अब सही हैं, उस समय गलत है, काल्पनिक और सीधा। उत्तल लेंस वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को लेंस के फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है, आपने निकट ले जाकर के देखा होगा, इसका अर्थ है कि जिसका आप अवलोकन करने चले हैं वो उसके फोकस दूरी के अंदर आ जाता है, तब लेंस उत्तल लेंस वस्तु का आवर्धित बड़ा भी बना था ना, बड़ा बनाया, काल्पनिक बनाया, सीधा बनाया, ये उत्तल लेंस की खासियत है। और आपसे अगर ये कोई पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस लेंस का बना होता है, उत्तर देंगे उत्तल लेंस का बना होता है। अगला सवाल आपके लिए है, और जब आपको बताना है, सूक्ष्मदर्शी से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाएगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसके आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है आपके लिए कि बिना ऑप्शन के बताएंगे, बढ़ती है, बढ़ जाएगी, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी जी, करेक्ट आंसर है। दूरदृष्टि दोष का आप तो बताइए कि उत्तल लेंस से दूर होता है, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, निकट दृष्टि दोष का कारण निम्न में से क्या है? पहला, लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाना, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और चौथा डी, जितना बोले सब, इनमें से कोई भी, यानी सब, इनमें से सभी, अर्थात जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तब लेंस की क्षमता अपने आप बढ़ जाए, सॉरी लेंस की फोकस दूरी जब कम जाएगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा तो होगा ही, और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए इसका अर्थ यह है कि कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है, तब ऐसा होता है। लेंस की फोकस दूरी घट जाना इसका अर्थ है लेंस मोटा हो जाता है, यदि कहीं यह लिखा हो लेंस मोटा हो जाए
समझ जाइएगा निकट दृष्टि दोष। लेंस मोटा होगा, लेंस की फोकस दूरी कम जाएगा, लेंस की फोकस दूरी कम जाएगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी और इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष पैदा होंगे। कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाएगी तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि अनंत से दूर से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा और वह दिखाई नहीं देता है। आप सही हैं। अगला सवाल आपसे, जिस विशेषता के कारण मनुष्य दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों को देख लेता है, या आंख की कौन सी विशेषता कहलाती है? विकल्प नहीं मिलेंगे आपको। सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता, करेक्ट आंसर। सामंजन क्षमता या समायोजन क्षमता इसको कहते हैं। और अगला सवाल है, जरा दृष्टि दोष, घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग, जरा मतलब बूढ़े बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों के जब को जब नेत्र दृष्टि दोष होता है तो बताना यह है कि इसका कारण क्या है, यानी किस कारण से बुजुर्गों में दृष्टि दोष पैदा होता है। ऑप्शन है आपके लिए, यानी जरा दृष्टि दोष का कारण है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता घट जाती है, यानी नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है, यानी दूर और निकट देखने की स्थिति कम जाती है ना। सही उत्तर दिया है। वृद्धावस्था में शिलियरी पेशियों में सिकुड़न पैदा होने के कारण उसमें जो सिकुड़न आ जाता है, जकड़न आ जाता है, इससे क्या होता है कि लेंस की जो सामंजन क्षमता है वो कम जाती है, क्योंकि सिलियरी पेशियां उसको छोड़ती खोलती, जब वो झुकाव उसमें खिंचाव आ जाता है तो ये गुण उसका, यानी सिलियरी पेशियों में खिंचाव के कारण यह गुण घट जाता है, फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का। इसलिए ना तो ज्यादा दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना ज्यादा निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, और व्यक्ति दोनों दोष का शिकार हो जाता है। जरा दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष प्लस दूर दृष्टि दोष, दोनों दृष्टि दोष मीन्स जरा दृष्टि दोष। खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरबीन में, दूरदर्शी दूरबीन समझते हैं ना, दूर की वस्तु देखने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने जो ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कम और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चलिए तो देखते हैं आपसे। अगला सवाल है, दूरदर्शी की बात है, टेलीस्कोप की, संयुक्त एक खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा, आभासी मतलब काल्पनिक, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा, आभासी सीधा, इधर रॉन्ग आंसर, राइट आंसर है आभासी और उल्टा। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किस दोष का उपचार बेलनाकार लेंस से होता है, ना उत्तल से ना अवतल से, बेलनाकार लेंस से उपचार होता है। ऑप्शन है आपके लिए, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, बर्नांधता, अविंदुकता। अविंदुकता, अविंदुकता का उपचार होता है बेलनाकार लेंस से। सही उत्तर है, सही। और अविंदुकता की स्थिति में व्यक्ति को क्षैतिज और उदग्र दशा में रखी, एक ही स्थान पर क्षैतिज और उदग्र दशा में रखी वस्तुओं का अस्पष्ट अवलोकन नहीं हो पाता है, अस्पष्ट वह विभेदन नहीं कर पाता, अस्पष्ट देख नहीं पाता। अगला सवाल आपसे, निम्न में से नेत्र का कौन सा अंग नेत्र का पर्दा है, पर्दा समझते हैं ना, जहां पर तस्वीर उस्वीर बनता है, हाँ जी, कोराइड, दृढ़ पटल, परितारिका, रेटिना, कोराइड, नेत्र का पर्दा कोराइड है, गलत उत्तर है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेत्र का पर्दा रेटिना है, नेत्र का पर्दा कहलाता है रेटिना, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है नेत्र लेंस के द्वारा। बहुत शांति से क्वेश्चन सुनेंगे और सावधानी से उत्तर देंगे। निम्न में किस रंग के प्रति आंख सबसे अधिक सहज होता है, यानी आंख को ज्यादा परेशानी नहीं होती है अवलोकित करने में, लाल रंग, बैगनी रंग, पीला रंग, हरा रंग, पीला, करेक्ट आंसर है। रेटिना, जैसा अभी हमने जिक्र किया, आंख का पर्दा होता है, उसमें एक विशेष प्रकार के तंतु होते हैं जिससे हम रंग के बारे में समझ कर पाते हैं, यानी रंगों की समझ जो हमें हो रही होती है वो रेटिना से जुड़े एक विशेष प्रकार के ऑप्टिक नर्व के द्वारा, विशेष प्रकार के प्रकाशिक तंतु से होता है, वो तंतु कौन सा होता है,
बेलनाकार तंतु, छड़ तंतु, शंकु तंतु, इनमें से कोई नहीं। शंकु तंतु, शंकु तंतु से करेक्ट आंसर है। और रेटिना में जब, रेटिना में जब इसकी संख्या कम जाती है तो वर्णांधता की बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस की। और कलर ब्लाइंडनेस लाइलाज रोग है, इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए आगे हो जाए। अगला सवाल आपसे, निम्न में कौन प्रकाश के लिए सबसे संवेदनशील है, यानी प्रकाश के लिए सबसे सुग्राही है, प्रकाश को बहुत ज्यादा आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। ऑप्शन है आपके लिए अंधबिंदु, ऑप्शन बी है मैकुला, ऑप्शन सी है पीत बिंदु, ऑप्शन डी है बी और सी, यानी मैकुला और पीत बिंदु। ऑप्शन डी, बी और सी। बी और सी यानी मैकुला और पीत बिंदु, मैकुला और पीत बिंदु करेक्ट आंसर है। आपने नाम सुना होगा लोग नेत्रदान करते हैं, है ना, ये दुनिया बड़ी हसीन है इसलिए जाने के बाद भी देखते रहना चाहिए, इस कारण से नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान जब व्यक्ति करता है तो कौन सा अंग नेत्र का दान होता है, बोलिए विदाउट ऑप्शन, नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है? कॉर्निया, इधर राइट आंसर। और एक आदमी स्वस्थ है तो स्वस्थ आंख से अगर देखे, कोई बीमारी नहीं है तो उसका जो दृष्टि परास होता है, श्रांत क्षेत्र होता है, वह तो कहां तक की वस्तु को देख सकता है? ऑप्शन आपके लिए 25 सेंटीमीटर से अंदर तक की, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर से दूर लेकिन 1 मीटर से पहले तक की, और ऑप्शन डी है 1 मीटर से, सॉरी सी, 1 मीटर से 10 मीटर तक, और ऑप्शन डी है अनंत तक। अनंत तक, अनंत तक, बिल्कुल सही उत्तर दिया। और वाइसमा सवाल आपके लिए, किस दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस चाहिए, बाइफोकल लेंस का चश्मा चाहिए किस दोष के उपचार के लिए? जरा दृष्टि, जरा वृद्धा, जिसमें दोनों हो जाए, हाँ, दूर और निकट दोनों, इसलिए बाइफोकल करेक्ट आंसर है। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर और निकट दोनों ही प्रकार के दोष के शिकार हो जाते हैं, इसलिए उनको उत्तल और अवतल दोनों से मिला हुआ, इसलिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको, उनको डॉक्टरी सलाह दिया जाता है आप बाइफोकल लेंस के चश्मे का व्यवहार करें। और अगला सवाल आपसे है, आंख में प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को कौन रोकता है? हम बोलेंगे तब बताइएगा। आंख में प्रकाश यदि अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो उसके अंदर या आंख के अंदर पहुंचे गए प्रकाश को, जो प्रकाश पहुंचा है उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन न हो, इसके लिए आंख का कौन सा अंग काम करता है? काचाव द्रव, कोरायड, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। काचाव द्रव, कोराइड, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। काचाव द्रव, सॉरी आप गलत हो गए, द राइट आंसर इज कोरायड। और नाउ अगला सवाल आपसे है, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखिए मैंने जनरल फॉर्मूला उस समय पूछा था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जनरल आवर्धन की बात किया गया था, MO into ME आपने बताया था, अब अवश्य थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। निम्न में से कौन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक है सामान्य समायोजन की दशा में? ऑप्शन है आपके लिए VO बटे UO into 1 plus DYF, माइनस VO बटे UO into 1 plus DYF, VO बटे UO into 1 plus DYF, सॉरी UO बटे VO into 1 plus DYF, और ऑप्शन डी VO UO गुना FE बटे D, माइनस VO बटा UO into 1 plus DYF, माइनस VO बटे UO into 1 plus DYF करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी है कैपिटल एफ, नेत्रिका की फोकस दूरी है स्मॉल एफ, और अभिदृश्यक की फोकस दूरी है कैपिटल एफ, तो आपको बताना है कि उसका आवर्धन क्या होगा। संयुक्त सूक्ष्म एक दूरदर्शी है, माफ करेंगे, एक दूरदर्शी यानी एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक की फोकस दूरी है कैपिटल एफ, नेत्रिका की फोकस दूरी है स्मॉल एफ, तो उसका आवर्धन होगा, आवर्धन क्षमता कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ,
कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ, स्मॉल एफ बटे कैपिटल एफ, कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है, अर्थात एफ ओ बटे एफ ई, अभिदृश्य की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी बराबर होता है अभिदृश्य सॉरी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। और सवाल आपसे है, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है माउंट पालामोर, माउंट पालामोर अमेरिका में है, आपको जगह बताना है वह किस स्थान पर माउंट पालामोर को रखा गया स्थित है। कैलिफोर्निया में, करेक्ट, कैलिफोर्निया में वेधशाला है अमेरिका का और वहीं पे है यह। और गौरतलब हो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित वेधशाला जिसे हम कहते हैं नासा, वह कैलिफोर्निया में स्थित है और वहीं स्थित है माउंट पालामोर। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किस टेलीस्कोप की नेत्रिका अवतल लेंस का होता है, किस टेलीस्कोप की नेत्रिका अवतल लेंस का है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, पार्थिव टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप अर्थात गैलीलियो द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप, सही आंसर। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, जल्दी बोलिए, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा, गलत उत्तर हो गया है, काल्पनिक और उल्टा होता है। और 29वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके लिए, एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, अभी थोड़ा देर पहले हमने थोड़ा सा देख आपने बताया है, उसी से सोचिएगा, एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी यानी एफ ओ 60 सेंटीमीटर है, 20 गुना आवर्धित आवर्धन प्राप्त करने के लिए उसके नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, कैसे पता है, कैसे पता है कि 3 सेंटीमीटर होगा, आपका उत्तर सही लेकिन कैसे पता है, अभी आपने बताया ना एफ ओ बटे एफ ई होता है, एफ ओ बटे एफ ई बराबर एम होता है, तो एम के जगह 20 दिया हुआ है, 20 और एफ ओ के जगह 60, तो 60 20 बराबर 60 बटे एफ ई, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे सॉरी 3 हाँ एफ 60 बटे 20 यानी 3, तो इस तरीके से नेत्रिका की फोकस दूरी होगी 3। अगला सवाल आपसे है, कॉर्निया की, अगला और लास्ट सवाल है, कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण कौन सा दोष पैदा होता है, कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिन्दुकता, अभिन्दुकता सही आंसर है, अभिन्दुकता। और ये था हमारा 30 प्रश्न जो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और इसके अलावे मानव नेत्र से जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप आए और इसमें प्रतिभागी बने, तमाम शुभकामनाओं के साथ अब हम इस विदा लेने का वक्त आया है।